तो अगर आपको अपने गाने के लिए बीट चाहिए, आपको सिंगर मिक्सिंग और मास्टरिंग कैसे करते हैं, अगर आपको अपने गाने के लिए मिक्सिंग मास्टरिंग करानी है या म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जितने भी इस पे इफ़ेक्ट होते हैं जैसे फ़िल्टर होता है, रिवर्ब होता है, इन सब के बारे में आपको एक क्विक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मेलोडी सुनाता हूँ, तब उसके ऊपर हम ये सब इफ़ेक्ट लगाएंगे और आपको बताऊँगा कि कौन किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको मेलोडी सुनाता हूँ। तो ये हमारी मेलोडी है। अब हम इस पर एक एक करके मैं आपको सारे इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे अगर मैं इस पर रिवर्ब लगाऊंगा तो रिवर्ब से क्या होगा, देखो रिवर्ब का हमको अपडेट मिला है तो इस पर दो रिवर्ब है, तो दूसरा वाला रिवर्ब को हम यूज़ करेंगे। पहले वाले का भी यूज़ है, ऐसा नहीं कि उसका यूज़ नहीं है, पर दूसरे वाले का ज़्यादा अच्छा यूज़ है। तो हमने दूसरे वाले का होता हूँ, पहले वाले को हम डिलीट कर देते हैं। ये मैंने इसको डिलीट किया, रिवर्ब 2 लगाया। इससे ये होगा जो आपकी आवाज़ रोबोटिक साउंड कर रही थी वो इससे पहले बात कम होगी। दूसरी बात, जो आपकी रिवर्ब लगाने से आवाज़ आती है जैसे हॉल की आवाज़ होती है, आवाज़ गूंजती है, तो उस तरह से ये हमको इस पर क्या बोलते हैं एक इफ़ेक्ट पैदा करता है जिससे हमको साउंड की वाइब बहुत अच्छी लगती है। आपको सुनाता हूँ, ये मैंने इसका रिवर्ब और तेज किया और हाई किया। अगर मैं इसका रिवर्ब बंद करूं, आप सुन सकते हैं अभी ये कितना रोबोटिक लग रहा है ये रिवर्ब ओपन करने के बाद। तो बात ये कि रिवर्ब आपको अपने हर साउंड में यूज़ करना चाहिए, जैसे बेस हो गया उसको छोड़ के, किक हो गया उसको छोड़ के, एक दो साउंड जो लो फ्रिक्वेंसी की ज़्यादा होती है उनमें ये यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने अगले इफेक्ट में आते हैं कि अगला इफेक्ट कौन सा है। अगला इफेक्ट हमारा है टैप डिले। देखो टैप डिले, ट्रेंस डिले, हमको दो वो मिल रहे हैं, दो इफेक्ट मिल रहे हैं। तो दोनों के दोनों का काम यही है कि आपकी आवाज़ को रिपीट में लाना। ठीक है, जैसे मैं इस पर ट्रेंस डिले नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, टैप डिले भी वही है। ठीक है, उस पर कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना। जैसे पे करता हूँ मैं, अब मैं आपको साउंड चला के बताता हूँ, आप सुन रहे होंगे। जैसे मैं साउंड पॉज कर रहा हूँ तो वो फिर भी हमको 2-3 बार सुनाई दे रही है। तो आप सुन सकते हैं, तो यही ट्रांस डिले टैप डिले का काम है। देखो ट्रांस डिले टैप डिले हम जैसे 1/2 है, 1/1 है, ये अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आपके जो साउंड है उस पर क्या करता है इफ़ेक्ट जनरेट करता है। तो हमने दूसरा इफेक्ट सीख लिया, तीसरा इफेक्ट भी सीख लिया, टैप डिले ट्रांस डिले दोनों एक ही है। अगले आते हैं हम ऑटो डक में। ऑटो डक क्या करता है, सॉरी ये गलती से क्लिक हो गया, हम ऑटो डक में आते हैं। ऑटो डक क्या करता है, जैसे आपकी दो आवाज़ है तो वो पहली आवाज़ को जैसे हाई करेगा, दूसरी आवाज़ को दबाएगा, फिर तीसरी आवाज़ को हाई करेगा, चौथी आवाज़ को दबाएगा। ये हमारे ऑटो डक का काम होता है। जैसे आपकी कोई साउंड है उसको आप जैसे प्रोग्रेसिव हाउस की जो बीटें होती हैं उनमें अक्सर ये यूज़ होता है। तो ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ यूज़ करके। जैसे मैंने ऑटो डक ऑन कर चुका हूँ, आप सुन लोगे कि ये पहले आवाज़ को दबा रहा है, फिर अप कर रहा है, फिर दबा रहा है, फिर अप कर रहा है। तो ये इफ़ेक्ट सब यूज़ करोगे तब जाके आपके जो पूरा साउंड है वो एक प्रोफेशनल साउंड करता है। तो आपको सबके बारे में जानना ज़रूरी है। तो अब मैं ऑटो डक को अगर बंद करूँ तो अभी सिंपल बज रहा है, ऑटो डक ऑन करूँ तो ये हमारे ऑटो डक का काम होता है। ठीक है, अगले हम इफ़ेक्ट पर आते हैं, लेवलर। लेवलर ये है कि ये आपके जो 0 dB से कितना दूर है, कितना पास है, ये वो आपको ये बताएगा। ठीक है, तो हम इसको ऑन करके दिखाता हूँ, तो ये 0 dB से कम है। लेवलर का बस यही काम है, ये आपको दिखाता है कि 0 dB से कम है कि ज़्यादा है। इसके बाद हम आते हैं कंप्रेसर में। कंप्रेसर क्या करता है, आपकी आवाज़ को कंप्रेस करता है, जैसे उसका नाम है वैसे उसका काम है। तो कंप्रेसर क्या करेगा, जो आपकी आवाज़ है उसको थोड़ा सा फ्रंट अप कर देगा। और अगर आपको कंप्रेसर के ऊपर एक स्पेशल वीडियो देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे इससे प्रीवियस वीडियो पर जाएं, मैंने एक कंप्रेसर पर पूरी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से पूरा सीख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट जो इसका इफेक्ट है उस पर आते हैं।
अगला है लिमिटर। लिमिटर क्या करता है, देखो लिमिटर जैसे 0 dB आ रही है, 0 dB से ऊपर तुम्हारा साउंड जा रहा है तो ये क्या करता है, जैसे कंप्रेसर 0 dB जैसे साउंड को दबाता है, कंप्रेस करने का मतलब होता है दबाना। तो लिमिटर क्या करता है, लिमिटर ये करता है कि 0 dB से ऊपर जितनी भी आपकी साउंड जा रही है उनको क्या करेगा, कट कर देगा। वो दबाता नहीं, वो कट करता है, ठीक है। इसलिए लिमिटर क्या करता है, 0 dB से ऊपर साउंड को नहीं जाने देता। तो लिमिटर का ये यूज़ है। जैसे आपने बहुत सारी साउंड यूज़ करी तो आपको लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको एक लिमिटर लगाना है। लिमिटर क्या करेगा, 0 dB से ऊपर नहीं जाने देगा आपके साउंड को, जिससे आपकी साउंड फटेगी नहीं। आते हैं नेक्स्ट इफेक्ट पे। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन यूज़ होता है किक 808 में। डिस्टॉर्शन का काम, जैसे नाम ही डिस्टॉर्ट करना है, तो मतलब ये क्या करेगा, आपके जो 808 है किक है स्नेयर, इनको थोड़े से क्रिस्प कर देगा। अगर डिस्टॉर्शन लगाए इनमें तो ये आपके थोड़े से, जैसे आप मेलोडी में भी लगा सकते हैं, तो आपके साउंड को थोड़े से क्रिस्पी बना सकता है। तो इसलिए डिस्टॉर्शन का यूज़ होता है। ज़्यादा डिस्टॉर्शन का यूज़ आप ना करें, क्योंकि ज़्यादा डिस्टॉर्शन का यूज़ करोगे तो आपकी साउंड पूरी फट सकती है। तो इसलिए डिस्टॉर्शन हल्के से, जैसे आप ये क्लिप, सॉफ्ट, ट्यूब और हार्ड, आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, क्लिप का यूज़ करें। नेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर आते हैं। गेट, गेट ये करता है, जैसे आप कहीं पे आपके साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो तो साउंड रिकॉर्ड करने के साथ साथ आप कोई नॉइज़ भी आ सकती है। तो जैसे गेट होता है, जैसे कॉलेज का गेट हो गया, स्कूल का गेट हो गया, हम प्रैक्टिकली समझेंगे, तो क्या करता है गेट, जैसे हमने गेट बंद करा तो बच्चे आने बंद हो गए, तो वैसे ही नॉइज़ को आना बंद कर देता है। पर उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, जिस पर आपको गेट के लिए एक वो दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो थ्रेशहोल्ड की जो आपको ऑप्शन दे रखा है, थ्रेशहोल्ड मैंने आपको किस लाइन से नीचे की जितने भी नॉइज़ है उसको आपको बंद करना है, तो आपको थ्रेशहोल्ड की लाइन ऊपर करनी पड़ती है। अगर आपको स्पेशल गेट पर एक वीडियो देखनी है तो आप क्या कर सकते, आप मुझे कमेंट करें, मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो आपके सामने बना के आपको दे दूंगा। नेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर आते हैं। फिल्टर, फिल्टर क्या करता है, फिल्टर का जैसे नाम है, जैसे काम है वही उसका काम, जैसे पानी का फिल्टर होता है, जैसे आरओ होता है, वैसे ये समझो ये साउंड का फिल्टर है। ये आपके साउंड में जो हाई फ्रिक्वेंसीज है उनको थोड़ा सा डिप कर देता है। और जैसे फिल्टर का आपने बहुत जगह ऑटोमेशन भी दिखा होगा, आपको फिल्टर के ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो मुझे वीडियो कमेंट करके मुझे बताएं। अगले इफेक्ट के ऊपर आते हैं। पैरामीटर EQ, ये मैंने आपको आपको पता ही होगा, इस पर ये क्या करते हैं, लो हाई फ्रिक्वेंसी में से जो आपको मड फ्रिक्वेंसी वो काटना हो, कुछ अच्छी फ्रिक्वेंसी उनको बढ़ाना हो, तो ये परम EQ यानी पैरामीटर EQ हमारा काम करता है। और जैसे कि नीचे ग्राफिक EQ है, वो भी वही है, कोई इस पर अलग बात नहीं है। ट्यून्ड EQ क्या करता है, आपके जो साउंड उसका ट्यून देता है कि आपको किस तरह की ट्यून चाहिए जो आपको अच्छी लगे। स्टेबलाइजर क्या करता है, आपके दोनों कानों में अलग अलग फ्रिक्वेंसी पैदा करता है। इससे क्या होता है, जैसे आपके दोनों कानों में जब अलग अलग फ्रिक्वेंसी आती है तो आपको साउंड थोड़ा सा वाइड लगता है, तो स्टेबलाइजर का ये काम है। बाकी इफेक्ट के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मुझे ये बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।